शाह कक्कर और रोहनप्रीत सिंह दोनों ही बहुत अच्छे सिंगर हैं और दोनों अक्सर साथ गाने लाते हैं और ये गाने सुपरहिट हो जाते हैं। लंबे समय से दोनों का कोई गाना नहीं आया था, लेकिन अब एक बार फिर रोहनप्रीत सिंह अपनी वाइफ नेहा के लिए एक गाना लेकर आए हैं। मशहूर सिंगर रोहनप्रीत सिंह ने अपने वैलेंटाइन डे को और भी खास बनाने के लिए अपनी पत्नी वो सिंगर नेहा कक्कर को एक रोमांटिक गाना गम खुशियां गिफ्ट के रूप में दिया है। ये गाना 13 फरवरी को रिलीज होगा। इस गाने को अरिजीत सिंह और नेहा कक्कर ने गाया है। इसे रोहनप्रीत सिंह ने विशेष रूप से पत्नी नेहा के लिए बनाया है। नेहा के लिए गाने पर काम करने के बारे में बात करते हुए रोहनप्रीत ने कहा, क्योंकि मैं वैलेंटाइन डे पर नेहा को एक बहुत ही खास और अनोखा गिफ्ट देना चाहता था, इसलिए मैंने इस गाने पर काफी पहले से काम करना शुरू कर दिया था। ये नेहा के लिए मेरा गिफ्ट था, इसलिए ये सही होना ही था। 2022 के क्रिसमस के दौरान मैंने गाने पर काम करना शुरू कर दिया। मैं चाहता था कि वो इस गाने का हिस्सा बने, इसलिए मुझे उनको इस बारे में बताना पड़ा। नेहा की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। टी सीरीज द्वारा प्रस्तुत इस गाने को आदिल शेख ने डायरेक्ट किया है, वही राणा सोतल ने गाने के लिरिक्स लिखे हैं। वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले 13 फरवरी को दोनों लव सॉन्ग गम खुशियां के साथ हमारा दिल चुराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वैलेंटाइन डे पर यह सिर्फ नेहा और रोहनप्रीत के लिए नहीं, उनके तमाम फैंस के लिए भी तोहफा होगा, जो वो अपने लव्ड वन के साथ सुन सकते हैं। इस मेलोडी लव सॉन्ग को अरिजीत सिंह और नेहा कक्कर ने अपनी आवाज दी है। गाने को रोहनप्रीत सिंह ने अपनी नेहू के लिए कंपोज किया है। फेमस सिंगर नेहा कक्कर कई सीजन से सोनी टीवी के फेमस वीकेंड सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल का चेहरा रही है। सफलता के बावजूद नेहा कक्कर हफ्तों से शो में नजर नहीं आई है। चैनल या खुद नेहा कक्कर की ओर से अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई कि आखिर वो शो से गायब क्यों है। वही फैंस उनके गायब होने पर सवाल उठा रहे हैं। वही अब ऐसा लग रहा है कि नेहा इस सॉन्ग की वजह से इंडियन आइडल 13 से गायब थी। हालांकि अब तक नेहा ने इस मामले पर कोई भी बात नहीं की है। नेहा के स्टारडम हासिल करने की जर्नी इंस्पायरिंग है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे मियो वुल्फ को। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।